और बातचीत की आड़ में पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई है। बॉर्डर पर तेजी से हथियार और साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तानी साजिश की खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली है। पाकिस्तान में फॉरवर्ड कैंट पर तैनात पुराने टैंक्स दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। पुराने हथियारों के इस्तेमाल के लिए सीमा पर एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। सीमा पर फॉरवर्ड पोजीशन पर जो पहले से तैनात टैंक हैं उनको बेहतर किया जा रहा है और उनके मेंटेनेंस के लिए एक्सपर्ट्स को वहां रवाना किया जा रहा है और धीरे धीरे सरहदी इलाकों में हथियारों का जुटान बढ़ा रहा है पाकिस्तान। इससे पहले DGMO स्तर की बातचीत में वो शांति की हिमायत कर चुका है, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर जो आई है वो आपके सामने। बड़ी संख्या में हथियार खरीदे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान। T-80 टैंक्स के लिए थर्मल इमेज साइट्स खरीद रहा है पाकिस्तान। 12.7 mm स्नाइपर राइफल्स के लिए साउथ अफ्रीकी कंपनी से करार किया गया है। रूस से मिनी UAV फॉर्म S-25 खरीद रहा है पाकिस्तान। हथियारों की खरीद कर रहा है और हथियारों का जुटान भारत के साथ लगती सीमा में किया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।